हैप्पी जर्नी टू मी। वो देखिए सामने जो आप देख रहे हैं सीधा बांग्लादेश निकल जाता है, ये इंडिया का आखिरी ब्रिज है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार कैसे हैं आप सब? आज से मेरा एक नया ट्रिप शुरू होने जा रहा है जो कि ज्यादा लंबा होने वाला नहीं है, 2-3 दिन का है। मैं जा रहा हूँ मालदा, मेरा वहाँ एक दोस्त रहता है तो उसके साथ मैं एक्सप्लोर करूंगा। अभी बज रहा है 9:15 बचा है, मेरा ट्रेन है एग्जैक्ट 12 बजे रात का। तो अभी 3 घंटा अभी मैं पैकिंग ही कर रहा था, देख सकते हैं आप पूरा बिखरा हुआ ट्रेन सामान सारा, पूरा इसको भी समेटूंगा थोड़ा बहुत अभी, फिर डिनर करूंगा उसके बाद फिर मैं निकल जाऊंगा। एंड एज ऑलवेज जैसा मेरा हर सोलो ट्रिप का जो है ट्रेन जो रहता है वो सियालदह से ही रहता है, जी हाँ इस बार भी मेरा ट्रेन सियालदह से ही है। आप देखने वाले हैं सियालदह टू मालदा का जर्नी, जो कि ट्रेन है न्यू जलपाईगुड़ी का, सियालदह टू न्यू जलपाईगुड़ी स्पेशल ट्रेन है। 2 दिन वहाँ घूमूंगा, उसके बाद देखता हूँ अगर कहीं मन किया तो और कहीं भी चला जाऊंगा, तो यही हिसाब किताब है। तो चलो मैं फटाफट इसको पूरा समेट लेता हूँ, फिर डिनर करके डायरेक्ट आपको रास्ते में मिलता हूँ। तो जैसे कि गाइस आपने देखा मैं पैदल जाने की सोच रहा था, बट टैक्सी आ गई एक सामने में, मैं चढ़ गया उसमें, तुरंत पहुंच गया। अभी भी 1 घंटा बाद मेरा ट्रेन है। तो गाइस सियालदह पहुंच चुका हूं, अभी भी ट्रेन खुलने में ऑलमोस्ट 1 घंटा है, 11:05 हो रहा है, 11:55 में ट्रेन, यानी 50 मिनट अभी भी है। तो चलो ट्रेन का थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ अंदर चल कर। ये आप देख सकते हैं ट्रेन कितना पूरा स्टेशन पूरा खाली है 11 बजे रात को। यहाँ देखिएगा कितना आलिशान एग्जीक्यूटिव लॉन्च बनाया है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं कुछ पैसे देकर, और वेल मेंटेन डेकोरेट किया पूरा सियालदह स्टेशन। बहुत सारा यहाँ पे ब्रांड्स भी खुल चुका है। तो मेरा ट्रेन का भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है क्योंकि वो अभी 1 घंटे के बाद शायद इसलिए, बट आगे चल के देखता हूँ शायद आगे लगा हो या मे भी बाद में आएगा। सो गाइस जैसा कि इन्फॉर्मेशन मिला है मेरा ट्रेन 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगा, अभी आया नहीं है, तो जब आ जाता है तब मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल मैं आज ट्रैवल करने वाला हूँ ट्रेन नंबर 03107 में, जो कि है सियालदह न्यू जलपाईगुड़ी स्पेशल, बट मैं न्यू जलपाईगुड़ी नहीं जा रहा हूँ, आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ मालदा, जो कि 6:15 पे मालदा पे उतरेगी। तो चलो ट्रेन आ जाता है फिर आपको लोकोमोटिव दिखाता हूँ कौन सा है। न्यू जलपाईगुड़ी जाने वालों का एकदम बहुत भयंकर भीड़, मतलब कि इस वक्त ही ज़्यादातर ट्रेन जाता है ना, सारा सियालदह से ही रहता है, 2-3 ट्रेन एक बैक टू बैक, तो काफ़ी भीड़ रहता है इस वक्त न्यू जलपाईगुड़ी के लिए। प्रॉब्लम ये हो गया गैस, मेरा अचानक से USB ख़राब हो गया और चार्ज उसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो अभी जैसे तैसे चला लेता हूँ मैं, सुबह मालदा में उतर के फिर न्यू एक USB लेना पड़ेगा। फिलहाल अभी चार्ज है इसमें 75%, तो सुबह तक चल जाएगा। तो गाइस ट्रेन आ चुका है 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे और देख सकते हैं अंदर की तरफ जाना है अभी, और ये नया प्लेटफॉर्म बना है, पहले यहाँ पर ट्रेन नहीं आता था बट अब आता है। ये देख लो भाई, ये है लोकोमोटिव इस ट्रेन का WS4, लोकोमोटिव अभी तक बॉगी खोला ही नहीं, सब बाहर वेट कर रहा है। तो हियर इज माय कंपार्टमेंट, अंधेरा हो रहा काफी, सो लेट्स गो इनसाइड। इस बार मुझे विंडो सीट नहीं मिला तो मैं ऊपर आके सो गया मस्त, अभी ट्रेन खुला नहीं, अभी भी 10 मिनट बचा है, सारा इंसान सेटल डाउन हो रहा है मस्त एकदम सोएंगे। सब अभी पैसेंजर आया जा रहा है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा मैं बाहर आ गया, पूरा सफोकेशन लग रहा था अंदर में। तो अभी भी ट्रेन खुलने में 10 मिनट बचा है और ये है मेरा कंपार्टमेंट, ट्रेन खुलेगा मैं ऊपर चढ़ के सो जाऊंगा, फिर आपको सुबह में जो भी स्टेशन आता है वो दिखाता हूँ।
सो गाइस ट्रेन फाइनली छोड़ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं 11:55 राइट टाइम में छोड़ा है। हैप्पी जर्नी टू मी। अब मैं चलता हूँ सोने, आपको सुबह मिलता हूँ। The next morning. Good morning, guys. Welcome from Farakka Barrage. You can't miss this sunrise in this beautiful bridge. वो देखिए सामने जो आप देख रहे हैं सीधा बांग्लादेश निकल जाता है। ये इंडिया का आखिरी ब्रिज है फरक्का बैरेज, इसके बाद सीधा जो आप देख रहे हैं वो बांग्लादेश है उस पार। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइमिंग, सही टाइमिंग पे नींद खुला है, ये मिस नहीं कर सकते थे आप। मैं यहाँ का जो है वीडियो पर्सनली आके बनाने का कोशिश करूँगा। अभी आप देखिए वेस्ट बंगाल में इतना ज़्यादा बारिश हो रही है कि सब बहुत सारे जगहों में बाढ़ आया हुआ है, तो फरक्का बैरेज का हाल देखिए एकदम लबालब पानी से भरा है। यूजुअली इतना ऊपर रहता नहीं है। एकदम कंटिन्यूस शॉट आपको दिखा रहा हूँ बिना कुछ डिलीट किए। फाइनली ये फरक्का बैरेज हुआ ख़त्म और मेरा स्टेशन आने वाला है कुछ हाफ एन आवर में, तो अब मुझे तैयारी करनी है उतरने की। सनराइज देखिए कितना खूबसूरत है। अरे देखिए हम लोग के ट्रेन के साथ वो रेस लगाने को लग रहा है दोनों गाड़ी, इतना खूबसूरत सीन है। चलो अब मैं चलता हूँ, अपना थोड़ा बैग वैग पैक कर लूँ क्योंकि मेरा स्टेशन आने वाला है। अब हो रहा है सनराइज पूरा प्रॉपर। बस मालदा घुसने वाला है गाइस थोड़ी देर में, 15 मिनट में मालदा आ जाएगा। जूता वूता मैंने पहन लिया है, फ्रेश हो गया हूँ। एंड ये सनराइज देखिए यार, सीरियस मतलब कि क्या ही बोलूँ अब इसको। By Fairly and Dungeness, and bore straight away for the south, for the sight, for the light, and we'll roar like true British sailors, we'll rat, and we'll roar across the sea, till we strike soundings in the channel of old England, from Bushit to Sicily, to Sicily, for the sea, for the sea. Let every good man drink up a full bumper, let every good man drink up his full bowl, and let us be jolly and drown melancholy. Soundings in the channel of old England.
ओके ब्रो, चलो मिलते हैं। स्टेशन आ गया फाइनली, उतरना है। मान लो ही सब उतर रहे ना। ब्रो फाइनली उतर गए। तो ये था मेरा ट्रेन जर्नी, ट्रेन नंबर 03107 में जो गए थे सियालदह न्यू जलपाईगुड़ी स्पेशल। तो अब मेरा स्टेशन आ चुका है, मैं उतर के जा रहा हूँ बाहर। और मैं मालदा किस लिए आया हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। याद है आपको मैं जब दार्जिलिंग गया था फरवरी में, हाँ उस वक्त जब मैं वापस आने वाला था तो मैं मालदा उतरने वाला था, बट किसी कारणवश नहीं उतर पाया था। तो यहाँ पर रहता मेरा कॉलेज फ्रेंड, तो उसने मुझे वो मतलब उसी वक्त से मुझे इन्वाइट किया था कि मालदा आ भाई घूमेंगे साथ में। तो उस वक्त मैं नहीं उतर पाया था, तो बस अभी टाइम मिला तो मैं आया हूँ उसके साथ, घूमूंगा मालदा और आपको भी दिखाऊंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे कोई कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में जो कि होगा ऑब्वियसली मालदा का। तो चलो सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, कीप एक्सप्लोरिंग। मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करो ना भूलें, दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। बाय बाय। गाइज मेरा दोस्त मुझे आ चुका है लेने के लिए, मैं बिल्कुल सही था इसी गली से आया। तो थैंक्स ब्रो फॉर कमिंग। चलो भाई और घुमा जाए, चलो घुमा जाए साथ में मिल के मालदा। लेट्स एक्सप्लोर।